नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है गैसों का अणुगति सिद्धांत। मतलब किसकी बात करनी है हम लोग को, गैसों की बात करनी है, ठीक है। गैसों के लिए हम लोग को केवल आदर्श गैसों को पढ़ना है, उसको पढ़ना है आदर्श गैस, ठीक। अब जरा ध्यान से समझिए, इसकी शुरुआत कहाँ से करनी थी, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, तो जरा समझिएगा कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के बारे में बताया गया है, गैस सिद्धांत की क्या क्या चीज़ें मानी गई हैं और किन किन चीज़ों को हम लोग ध्यान रखें। माना ये गया कि अगर आपके पास कोई आदर्श गैस है, आपने किसी बर्तन में उस गैस को भरा हुआ है, तो उस गैस के जितने भी अणु हैं वो सब अणु लगातार गति करते रहते हैं और एक दूसरे अणुओं से लगातार टक्कर करते रहते हैं, साथ ही साथ ये अणु उस बर्तन की दीवार से भी टकराते रहते हैं। और जब ये अणु बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो दाब अणु लगते हैं, क्या अणु लगते हैं, दाब। उसी दाब की माप को हम गैस का दाब बोलते हैं, ठीक। आयतन आप जानते हैं आप लोग
गैस के अणुओं द्वारा, गैस के अणुओं द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी मुक्त पथ कहलाती है, मुक्त पथ कहलाती है, समझ रहे हैं? और सभी मुक्त पथ निकाल लीजिए, उनका मीन निकाल लीजिए, औसत निकाल लीजिए, क्या मिल जाएगा? मुक्त मार्ग पथ, यानी कि मीन फ्री मार्ग पथ, समझ रहे हैं? एक इसी का दूसरा टक्कर, औसत विश्राम की बात, ठीक, क्या बोलते हैं इसको? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। कुछ लोग इसको विश्राम काल भी बोलते हैं, विश्रांति, विश्राम, रिलैक्सेशन, रिलैक्स करते हैं, है ना? जरा समझिएगा ये कैसे है काम, फिर से यही डायग्राम बनाइए। पहली टक्कर यहां हुई, दूसरी टक्कर यहां हुई, तीसरी यहां हुई, चौथी यहां, ठीक। दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लग रहा है उस समय को कहा गया टाउ वन, फिर इस वाले को कहा गया टाउ टू, फिर इस वाले को कहा गया टाउ थ्री, और इस वाले को कहा गया टाउ, क्या है ये? टाउ वन, टाउ टू, टाउ थ्री, टाउ फोर, केवल विश्राम का, रिलैक्सेशन टाइम। देखिए यहां पर टक्कर हुई होगी पहले, फिर यहां से दूसरी टक्कर कहां हुई है? इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है ना, बीच टक्कर तो हो नहीं रही है, तो यहां से यहां तक का जो समय है वो क्या है? विश्राम का। सब विश्राम निकाल निकाल के क्या निकाल लीजिए? औसत क्या मिल जाएगा? औसत विश्राम का। दिख रहा है इसको दोबारा बनाना, दिख रहा है ना? क्यों? देखिए दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय है वो क्या है? विश्रांति काल। और सभी का क्या निकाल लेंगे? औसत तो क्या मिल जाएगा? औसत विश्रांति काल। टाउ एवरेज क्या मिलेगा? टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री और डिवाइड बाई, ये क्या है आपका? औसत विश्राम काल। दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी मुक्त पथ, सभी मुक्त पथ का औसत निकालिए तो मुक्त मार्ग पथ, मार्ग और औसत एक ही शब्द है, मतलब एक ही मतलब दोनों का एवरेज कहने का तरीका अलग अलग, ठीक। दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय विश्रांति काल, सभी विश्रांति कालों का क्या निकाल लीजिए? औसत निकाल लीजिए, तो औसत विश्रांति काल टाउ। बात समझ में आ रही है? इसमें हेडिंग भी बना दीजिए पहले, मीन फ्री पाथ।
पहले अपनी दूसरे नंबर की थी,
वो आयन से बना। क्या है बॉयल कमी है? गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, निश्चित दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप का मतलब होता है जब ताप को केल्विन में नापा जाए, किसमें नापा जाए, केल्विन में, तो उसको परम ताप बोलने लगते हैं, परम ताप के समानुपाती होता है। देखिए जरा ध्यान से, वी प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी, फिर से वही कहानी हो सकती है ना, प्रोपोर्शनल टी का क्या लगा सकते हैं, कॉन्स्टेंट इनटू में क्या लिखा है टी, तो अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो ये वी बटे टी बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, यानी कि स्थिर दाब पर किसी गैस के आयतन और ताप का अनुपात क्या होता है, नियत, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, टी वन बटे टी वन बराबर टी टू बटे टी। क्लियर है, नोट कर लीजिए, ग्राफ बना लीजिए।
और तीन को मिला लेंगे, ठीक नहीं कर गया मुझे। पहले वाले में था बी प्रोपोर्शनल टू ए बटे टी, दूसरे वाले में था बी प्रोपोर्शनल टू टी, और तीसरे वाले में बी प्रोपोर्शनल टू आई। अगर मैं उसका माइंड लिखूँ तो देखूँगा बी प्रोपोर्शनल, ऊपर है एन, ऊपर है टी और नीचे है बी टी, सही है बोलो। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आएगा, उस नियतांक को बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं आर, एन टी बटे पी। तो यहाँ से क्या जाएगा पी वी बराबर एन आर पी, यही तो कागज से कह समीकरण पी वी बराबर एन आर पी। क्या लिखेंगे, जहां आर क्या है गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट, आर का मान होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन, इसका मात्रक है। कांस्टेंट इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट, ठीक है ना, ये एसआई एसआई मात्रक का मान है जूल प्रति मोल केल्विन में, ये एसआई हुआ है। अरे तो इसको तुम उसमें चेंज करोगे जूल को कैलोरी में, तो वो बदल जाएगा। कुछ नहीं दिख रहा जो है, ये हाल है बताओ, ना उजेला है ना कुछ है। क्या होगा फर्जी बताओ, ये फर्जी रिकॉर्डिंग का कल नहीं कुछ दिख रहा नहीं बोर्ड में, अलग तो बोर्ड का बंदा है, या तो नीले रंग का मार करो तो उसको समझ में आए, काला काला पहले से है बोर्ड पूरा, लाइट है नहीं। मास्टर दो तरह के होते हैं, एक आए रुक लिया निकल लिए कोई मतलब नहीं है, हमें समस्या देखते हैं और समस्या समझ में आती है, या तो कोई काम करिए ना तो करिए तो ढंग से करिए, या तो ये रिकॉर्डिंग वार्डिंग चक्कर छोड़िए, कर रहे हो व्यवस्थित तरीके से करो, मतलब कुछ आदमी को देखिए कि जो ऐसा स्टैंड लाओ जिसमें लाइट लगी रहती है, तो फोकस मारता है बोर्ड पे, तो मतलब वही ना फर्जी काम चल रहा है। रात में सबके यहाँ पानी बरसा है, आप आज आवाज़ नहीं आ पाएगी।
लेकिन यहाँ कहाँ कहीं कवर क्या है। चलिए देखिए ध्यान से, हेडिंग लीजिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं, हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, मीन का मतलब होता है मार्ग, और रूट का मतलब क्या होता है हिंदी में? वर्ग मार्ग दूरी चाल मूल। वेलोसिटी माने वेग, चाल भी अगर स्पीड लिख लेंगे तो यहाँ चाल हो जाएगा। तो इसको दिखाते हैं वी आर एम एस, से दिखाते हैं वी आर ठीक वर्ग माध्य मूल ठीक है रूट मीन स्क्वायर। प्रोसेस अप्लाई करते हैं हिंदी वाले से ठीक, कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। माना किसी गैस के माना किसी गैस के अणुओं की चालें क्रमशः V1, V2, V3, डॉट डॉट Vn है। ढेर सारे अणु होंगे, कोई V1 से चल रहा है, कोई V2 से चल रहा है, कोई V3 से चल रहा है, कोई V4 जिसका यहाँ समय चल रहा है। तो अब कितने कणों की चालों की हम बात करें, कितने अणुओं की चालों की बात करें, तो ये अलग अलग चल रही है। तो ये इसके लिए सिस्टम बनाया गया कि ये ऐसा है, कुछ ऐसा मान निकालिए कि जो सबके लिए काम होता है। अब वो कह रहा मैं 10 से भाग दूंगा, वो कह रहा मैं 20 से भाग दूंगा, 25 से भाग दूंगा, इसको पकड़ेंगे उसको पकड़ेंगे। तो इसके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई, वर्ग माध्य मूल ठीक है। कि हम जब किसी एक गैस के लिए बात करेंगे तो हम केवल गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल के बारे में बात करेंगे, ये नहीं तुम भाग रहे हो 5 से, तुम भाग रहे हो 10 से, तुम भाग रहे हो 20 से। बात यह है, जरा ध्यान समझिए क्या होता है इसका सूत्र VRMS ठीक है। पढ़ते हैं RMS, शुरुआत करते हैं पीछे तरफ से, मतलब हिंदी वाले नाम से। पहले कह रहा वर्ग, तो सबका वर्ग कर दूंगा ठीक है। चलिए करिए वर्ग, तो V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर, डॉट 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 करते चले जाएंगे तो Vn का स्क्वायर। वर्ग का कह रहा माध्य निकालिए, माध्य माने औसत निकालना, औसत का मतलब आत्मों का योग बटे आप लोगों की संख्या, तो इन सबका योग कर दो बटे और बटे आप लोगों की संख्या कितनी है एन, है ना ठीक। तो वर्ग कर लिया, माध्य कर लिया, अब मूल, मूल माने अंदर रूट लगा दिया, क्या बन गया वर्ग मात्र मूल चाल या वर्ग मात्र मूल वेग। बात समझ रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्यों लेके आए, कई प्रकार के अणु अलग अलग चालों से चल रहे हैं, किसकी किसकी जानकारी रखी जाएगी। तो ये हुआ कि भैया अणुओं की निकालिए आप वर्ग मात्र मूल चाल, और मान के चले कि किसी चाल से सब चल रहे हैं, किसी चाल को लेकर आगे काम किया जाएगा। क्लियर है, इसके बाद आपको पढ़ना है किसी गैस का दाब ठीक, किसी हटा दीजिए गैस का दाब, प्रेशर और गैस। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अब क्योंकि हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, मान कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कुछ डेरिवेशन से मतलब नहीं, हम लोग इससे मतलब केवल सूत्रों से। देखिए टी का जो सूत्र होता है, होता है K/3 mn Vrms का स्क्वायर ठीक है। सूत्र बहुत कठिन है, याद करना चाहेंगे तो याद कर सकते हैं, 1/3 mn Vrms का स्क्वायर, समझ रहे हैं। इसमें एक चीज़ और छूट रही है, कुछ क्या छूट रही है बताइए, बटे में B। अब कौन क्या है जरा समझिएगा ध्यान से, स्मॉल m एक अणु का
द्रव्यमान, ठीक। स्मॉल n क्या होगी? स्मॉल n, स्मॉल n हमेशा मोलों की संख्या है, स्मॉल n हमेशा मोलों की संख्या। गैस के केस में जहां भी n आ जाए छोटा वाला, मतलब मोलों की बात कर रहा है। वीआरएमएस को आपने जान ही लिया, वर्ग माध्य मूल वेग या वर्ग माध्य मूल चार्ज जो कहना चाहें, और v क्या होगा? आयतन, और p क्या होगा? तार। क्या होगा? दाब। ये क्या है किसी गैस का? दाब। एक बटे तीन एम एन बी आर एम एस का स्क्वायर बटे बी। क्लियर है, बात समझ रहे हैं? तो बोलो, इस स्मॉल एम और इस स्मॉल एम को मिलाकर कहीं कहीं पर कैपिटल एम भी लिख दिया जाता है। समझ रहे हैं क्यों लिख दिया जाता है? मोल एम कर बना है। देखिए स्मॉल एम है मोलों की संख्या, मान लो उसने कहा पांच मोल है, ठीक है, तो पांच मोल मोलों की संख्या निकालनी होगी। मान लो पांच मोल में एग्जाम्पल की मान लेते हैं 5000 अणुओं की संख्या है, ठीक, और तुम गुणा किससे किए हो? एक अणु के द्रव्यमान से। तो एक अणु का द्रव्यमान और गुणे अणुओं की संख्या, तो कुल द्रव्यमान मिल गया कि नहीं मिल गया? इसलिए स्मॉल एम इंटू एल को क्या लिख लेते हैं कभी कभी? कैपिटल एम। कैपिटल एम मतलब कुल द्रव्यमान, ठीक है ना? नोट कर लीजिए यहाँ से। यहाँ पर चाल पढ़ लिया हमने और गैस का दाब पढ़ लिया। गैस का दाब भी बराबर 1/3 एम एन बी की आर एम एस स्क्वायर। इसमें यार यहाँ पर कैपिटल एम का कैपिटल एम होता है, स्मॉल एम का कैपिटल एम, और कैपिटल एम का मतलब होता है अड़ुओं को, अड़ुओं तभी जाके स्मॉल एम को कैपिटल एम पर लेकर सिर्फ कैपिटल एम का है, मतलब अणुओं की संख्या। और ये एक अणु का द्रव्यमान, अणुओं की संख्या मिली और एक अणु का द्रव्यमान मिला, दोनों उनका करेंगे क्या मिलेगा? कुल द्रव्यमान। यहाँ पे स्मॉल एन नहीं था, कैपिटल एन है। कैपिटल एन का मतलब क्या है यहाँ पर? अणुओं की संख्या, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए।
जरा ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी एक अणु की है, वो होती है 3/2 RT। क्या होती है? 3/2 RT। आर जानते हैं आप क्या है? गैस नियतांक। टी आप जानते हैं क्या है? का। अगर कितने अणु हैं? n अणु हैं। एक अणु के लिए इतनी है तो n अणु के लिए कितनी हो जाएगी? 3/2 n गुणे 3/2 R। ये है कोई समस्या? ये हो गई आपकी एक अणु के लिए, और ये हो गई आपकी n अणु के लिए। अगर ध्यान से देखिए, इसमें आपको कुछ संबंध स्थापित करना है VRMS का R और T के पदों में। VRMS का एक मान आप निकाल चुके हैं, उसी से संबंध है। यह है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है हमारे पास? R m v2। तो आपके पास ढेर सारे क्या हैं? अणु हैं। पहले वाले के लिए 1/2, ठीक, क्या लिख दिया? मान लीजिए आपने m1 v1 square, ठीक, समझ रहे हैं? फिर 1/2 m2 v2 square, फिर 1/2 m3 v3 square, 1/2 इस तरह करते करते कहाँ तक जाएंगे? n तक जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब जरा ध्यान से देखिए, इसको समेशन में कैसे करते हैं? समेशन का मतलब जानते हैं? जोड़ना। 1/2 mi pi। जब तुम लगोगे यहाँ पर i की जगह 1, तो पहले की 1 1, फिर i की जगह 2 रखोगे तो प्लस लगा के 2 2, फिर 3 रखोगे 3 3, 4 रखोगे तो 4 4, 5 रखोगे तो 5 5। क्लियर है? ध्यान से रखना। 1/2 इस समेशन mi को अलग कर लीजिए, ठीक है, और इस vi को अलग कर लीजिए, क्योंकि vi का क्या है? स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा, वी आई स्क्वायर, इस वी आई स्क्वायर को अगर मैं ओपन करूंगा तो मुझे v1 square plus v2 square plus v3 square डॉट 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 करते करते क्या vn स्क्वायर लग जाएगा? बोलो, ठीक। अगर मैं इस समीकरण में अगर मैं n से भाग दे दूं और n से ही गुणा कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? किसी से भाग देते हो, किसी से गुणा करते, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये बताइए किसका मान निकालेंगे वालों को? इधर उजेला मारो जरा। अरे यार।
दान बंद करो। Thank you.